अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस ज़रूरत रिश्ता चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज भी मैं एक इंतहाई खूबसूरत बेवा खातून का रिश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये जो बेवा खातून हैं, इनके शोहर को फौत हुए 3 साल का अरसा हो चुका है। पहले शोहर से इनका एक बेटा है जो इनके साथ ही रहता है और ये अपने ज़ाती घर में रहती हैं। तो इनकी जो वालदा कुलसुम बीबी, उनका हमसे रब्ता हुआ हमारे ऑफिस में, तो इनकी जो तमाम तर मालूमात है वो हमारे साथ उन्होंने शेयर की। वो चाहती हैं अपनी बेटी की दोबारा से शादी करना किसी ऐसी मर्द के साथ जो इनकी बेटी का ख्याल रख सके। तो इनके जो सबका शोहर थे जिनका इंतकाल हो चुका है, तो वो वापटा में जॉब करते थे, तो बदकिस्मती से वो वफात पा चुके हैं। और इन्हें अपने शोहर की तरफ से तो 20 लाख रुपए वापटा की तरफ से इनको मिला है जो इनके अकाउंट में है, और अपना ज़ाती घर है। लेकिन ये इस वक्त अपनी वालदा के साथ रहती हैं, जो इनका अपना ज़ाती घर है वो रेंट पे इन्होंने दिया हुआ है। और इनकी वालदा के चाहती हैं कि दोबारा से इनकी बेटी अच्छे और महज़ब फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए रब्ता करें। तो लड़का कुंवारा हो, चाहे वो रंडवा हो या उनकी बीवी फौत हो चुकी हो, लेकिन इस फैमिली की डिमांड ये है कि शादी के बाद जो लड़का है वो इनके साथ हैदराबाद सिटी में रहेगा और वहीं पे अपना कारोबार या कोई जॉब वगैरह करेगा। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई मद हजरात जो चाहते हैं इस तरह की लड़की के साथ शादी करना, नायाब के साथ शादी करना, तो वो इस फैमिली से रब्ता कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर हम इस फैमिली का मेंशन कर देंगे। अगर आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी का हमसे रिश्ता हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो व्हाट्सएप का नंबर लिख दें, तो हम इंशाल्लाह आपको आपकी मर्ज़ी का रिश्ता प्रोवाइड करके देंगे। और हमारे ऑनलाइन जितने भी हम रिश्ते लेकर आते हैं, कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेते, ये फीस बिल्ला और बिल्कुल फ्री होते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का रिश्ता पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम नए रिश्ते के साथ नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।